अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो इन दिनों नारवे में एडमिशन भी ओपन है मास्टर्स के लिए, तो अप्लाई आप लोग कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा हमारे एक प्यारे भाई आए हुए थे, नए स्टूडेंट आए इस दफ़ा 2022 में, तो इनसे भी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बाकी इनको बताते हैं कि नारवे आए हैं, इनका क्या कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा है। तो नासिर भाई हमारे, ये आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जनाब सबसे पहले उमर भाई बहुत शुक्रिया आपने इस चीज़ के टाइम दिया कि हम इन मसाइल को इन चीज़ों को आपस में डिस्कस सकें जो कि नॉर्मल में मसाइल के रहते हैं। सबसे पहले मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मेरा नाम नासिर है और रिसेंटली मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्ट नॉर्वे में मास्टर्स कोर्स के लिए नॉर्वे में आया हूँ और जो मेरी कोर्स की स्पेशलाइजेशन है वो आईटी के रेलिवेंट है। नॉर्वे में अच्छा है, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, काफ़ी सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। लेकिन नॉर्वे में आने से पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आएँ। आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो प्रिपरेशन लाजमी करके आएँ। तो उस प्रिपरेशन में कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले ये है कि आपके पास लैंग्वेज की थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि आप कम से कम एटलीस्ट आपको इतनी चीजों का पता होना चाहिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें। चीजों के बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि हम कोई अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो दूसरी है, जाहिर बात है आप नॉर्वे में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। सबसे जो बड़ा मसला जो अभी तक मुझे फेस हुआ है वो ये है कि नॉर्वे में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं। और उस एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी और जॉब ढूंढने के लिए आपको डेफिनेटली आपके पास थोड़ा बहुत लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए आपके पास। आप तो अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री से रेलिवेंट आपका बैकग्राउंड है तो दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर आपका नया कैरियर है, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट हैं आप और फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आपका मास्टर में एडमिशन हो गया, तो तब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां से एटलीस्ट 2-3 माह में कोई ना कोई स्किल जरूर सीखे है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली छोटे सिटीज में। अगर आप ओस्लो में रह रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहे मैं हैं, अभी भी ऑन पार्ट टाइम की जॉब्स। जॉब, हाँ जी पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ। और अभी मेरे 2-3 दोस्त हैं, यकीन माने ऑनेस्टली वो 3 माह हो गए तकरीबन हमें आए हुए, तो वो जॉब की कोशिश करें नहीं मिल रही उनको। उसकी वजह ये, एक तो लैंग्वेज नहीं आती और रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस बहुत आपको तो हेल्पफुल करता ये है। इशू जो होता है ये छोटी सिटीज में स्पेसिफिकली होता है, जैसे ये हमारा छोटा सिटी है तो इसमें इश्यू होता है लैंग्वेज का भी और जॉब का भी। हाँ जी, बड़ी छोटी सिटीज सिटीज में में, ऐसा बड़े सिटीज में तो आपको कोई भी और जॉब मिल जाएगी। अभी यहाँ पे ओस्लो में जो बड़ा शहर है वहां पे आपको जॉब का मसला नहीं मिलेगा, वो कोई भी आपको जॉब दे देगा, लेकिन जब आप छोटे शहर में आएंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो बाकी आपको, मैं तो आया हूँ, मुझे तो मैं माशाल्लाह। आया था 2 साल तकरीबन, दूसरा साल मेरा जा रहा है, हाँ जी, सेकेंड ईयर में हूँ। तो मुझे भी स्टार्ट में एक रेफरेंस के थ्रू मिली थी जॉब, तो आप भी आए हैं, आपको तकरीबन तीसरा महीना मेरे ख्याल में जा हाँ रहा जी, है, हाँ जी, माशाल्लाह। तो आपने जॉब वगैरह पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की है, कैसे मिली आपको इस बारे में बताएं। देखिए जी, जॉब शुरू में तो मैंने जितना भी शहर के जितने भी आप कह सकते हैं पॉइंट्स थे, सब पॉइंट्स थे वहाँ पे, मैंने डायरेक्टली जाकर सीवी सबमिट की, लेकिन मुझे किसी से भी कोई जवाब नहीं आया। और अगर आप लकी नहीं है तो आपको मिल जाएगा वरना तो नहीं आप आता। क्या समझते हैं, क्या वजह थी कि आपको किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि आपने पूरा ये शी एंड बोशकरण दोनों में आप गए, उसकी वजह ये है तो कि यहाँ पे एक तो ऑलरेडी जो जितने भी यहाँ पे हैं और जॉब सब पॉइंट्स हैं वहाँ पे, उनको सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लैंग्वेज रिक्वायर करते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्वेजियन ही सब पॉइंट्स हैं, तो इस वजह से मुझे किसी ने भी नहीं रेफर किया कि आप आके जॉब कर सकें। तो मेरे एक दोस्त थे जानने वाले, उनके रेफरेंस से मैंने बात की तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे रेफर किया कि आप यहाँ पे जाएं, और फिर वहाँ पे फॉर्मल इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ। तो वरना अदरवाइज रेफरेंस के बगैर बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब मिल सके आपको। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपका कोई जानने वाला रह रहा है, आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, आपका कोई सीनियर है उससे आप थोड़ी डिस्कशन कर लें, उससे आइडिया ले लें कि यहाँ पे क्या कल्चर है, क्या इन्वायरमेंट है, तो वो भी आपके लिए बेहतर है।
अगर आपका नहीं कुछ जानने वाला, तो डेफिनेटली जब बंदा जिस इन्वायरमेंट में आता है तो खुद बहुत चीज़ों को सीख लेता है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये कुछ इस वीडियो में हमने आपके साथ छोटी सिटीज जो है नॉर्वे की उसके मसाइल शेयर किए, क्योंकि हमारी हम जो जिस सिटी में रह रहे हैं ये एक छोटी सी सिटी है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो मूव करते हैं यहाँ से बिग सिटीज़ की तरफ, या जो आस नियर बाई जो बिग टाउन्स हैं वहाँ पे जाके जॉब करते हैं। तो ये इशू था, लेकिन ये है कि अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। स्टार्ट्स के जो है ना वो 2-3 मंथ जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, आप समझ लें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक नई कंट्री आए होते हैं, एक नई लैंग्वेज होती है, नए लोग होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदा सेटल हो जाता है इजीली। तो ये है बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद, ये था कि जब आते हैं आपको स्टार्ट में थोड़े मसाइल फेस करने पड़ते हैं एज अ स्टूडेंट, तो उसके बाद फिर जो है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई नहीं आपका एक सेटअप बन रहा, तो आप दूसरी सिटी में मूव भी हो जाते हैं यहाँ से, उसका इतना इशू नहीं हाँ होता। जी, मेरा एक जानने वाला अभी चंद दिन पहले ही, वो उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिली, वो चला गया, वो ओस्लो चला गया, वहां पे जाके वो जॉब ढूंढेगा और वहां पे जाके काम करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आते हैं यहाँ पे, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है बहुत नॉर्वे, ज्यादा तो अगर आप वहाँ से पैसे कमा के जो लाए उस भी यहाँ पे सरवाइव करना एक नहीं कर मुश्किल होता है, सकते तो आपको आप। पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाना पड़ता है, तो वो करनी पड़ती है एक्सपेंसिस मैनेज करने के लिए। तो बड़ी सिटीज़ में तो मिल जाती है इजीली। तो ये हमने थोड़े से मसाइल डिस्कस किए हैं, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आप सीख के हैं जब भी आ रहे हो आप अपनी कंट्री से, तो वो एक बेनिफिट होता है, आपको प्लस पॉइंट होता है। उसके अलावा कोई स्किल्स अगर आप छोटी मोटी सीख के आ जाएँ, या कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह की स्किल्स आपके पास हो गई, या किसी किस्म की कोई भी स्किल है, या फिर आईटी से रिलेटेड आप हैं, तो आप उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। बाकी अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चंस हैं, मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना हमसे मुमकिन हुआ। तो ये बस हमारा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था थैंक नए यू वेरी स्टूडेंट मच उमर का। भाई, बड़ा अच्छा लगा, और आगे भी मज़ीद हम आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो सके। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू वेरी मच ओके, फॉर योर थैंक यू टाइम। वेरी मच।